ओम शांति। आज 13 अगस्त 2021 के साकार मधुर मुरली है। आज शुक्रिया दिवस पर तह दिल से हम परम पिता परम शिक्षक का शुक्रिया करते हैं, जिन्होंने हमें जीवन जीने की कला सिखाई, रूहानी ड्रिल सिखाई। बाबा ऐसी ड्रिल सिखाते हैं मन मनाभव की, जिससे 21 जन्मों के लिए हृष्ट पुष्ट बन जाते हैं, निरोगी बन जाते हैं। ये ड्रिल स्वयं निराकार परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सिखाते हैं कि अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, अपने को देही अकेली आत्मा अनुभव करो। जब आप अपने को देही समझ एक बाबा को याद करते हैं तो इसमें गुप्त मेहनत है। सतगुरु की ये आज्ञा है कि आप देही अभिमानी बनो तो देह अभिमान दूर हो जाएगा, आत्मा पावन बन जाएगी। जैसे स्कूल में बच्चों को ड्रिल सिखाई जाती है, तो यहाँ गीता का भगवान स्वयं ड्रिल सिखाते हैं कि इस ड्रिल का अभ्यास करने से आप कभी बीमार नहीं होंगे, 21 जन्मों के लिए निरोगी बन जाएंगे। स्वयं परमात्मा हम बच्चों को ये ड्रिल सिखाने के लिए कल्प में एक बार आते हैं, तो कितनी रुचि से प्रेम से एक बाबा को याद करना है। मित्र संबंधियों को भी संदेश देना है कि एक बाबा को याद करो। जब अपने को देही समझेंगे, आत्मा समझेंगे, तो देह के संबंधी आदि सब स्वतः भूल जाएंगे, क्योंकि अब वापस घर जाना है, तो घर चलने के लिए इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है। बाबा के सिवाय कोई भी राजयोग नहीं सिखा सकता, वही सच्चे सच्चे योगेश्वर हैं। पहले भोगी थे इसलिए रोगी बनते चले गए, अब बाबा कहते ज्ञान से धनवान बनो, योग से हेल्दी वेल्दी बनो। जितना बाबा को याद करते हैं निरोगी बन जाते हैं। ये समय है कि हम अशरीरी बन बाबा को याद करें, तभी आत्मा पावन बनेगी। याद से आत्मा पावन बनती है। बाबा ही मोस्ट बिलव्ड है, सबसे प्यारा है, उससे प्यारा कोई और नहीं। सामने जब योग कराते हैं, ड्रिल टीचर बैठते हैं, कोई बड़े और छोटे, तो ये भी कायदा है कि सामने बैठे, लेकिन हर एक स्वयं को चेक करे कि हम किसकी याद में बैठे थे। सबसे प्यारा एक ही बाबा है, वही दुख हरता सुख करता है, उसकी याद में कोई और याद ना आए। इतना याद का अभ्यास करना है कि विकर्म विनाश हो जाएं। अपने मित्र संबंधियों को भी कहो कि गीता का भगवान कहते हैं माम एकम, याद करने से विकर्म विनाश होंगे। अपने को अकेली आत्मा समझ, शिव बाबा की याद से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। तीव्र पुरुषार्थी वो है जिसके मन में सबके प्रति कल्याण की वृत्ति है, शुभ चिंतक भाव है। भले कोई गिराने की कोशिश करे, बार बार विघ्न रूप बने, लेकिन हमारी भाव और भावना कभी परिवर्तन ना हो। हर परिस्थिति में वृत्ति श्रेष्ठ रहे, शुभ भाव रहे, तो उससे स्थिति अचल अडोल बन जाएगी। हमारी स्थिति पर किसी और का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे जो शुभ चिंतक वृत्ति में रहते हैं, कल्याण के भाव में रहते हैं, उन्हीं को कहते हैं विश्व कल्याणकारी। बहुत सुंदर स्लोगन में बाबा ने समझाया, संतुष्टता जीवन का श्रृंगार है, संतुष्ट रहो संतुष्ट करो। आज चलते फिरते विश्व कल्याणकारी स्टेज में रहेंगे। कोई कैसा भी है, हमारी वृत्ति श्रेष्ठ रहे, कल्याण की रहे, शुभ चिंतक वृत्ति रहे। शुभ चिंतक वृत्ति से सबके प्रति एक ही भाव उत्पन्न हो,
किस आत्मा का कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। दिल से बाबा का शुक्रिया करते आज शुक्रिया दिवस पर सबको शुभ भावनाओं की गिफ्ट देंगे। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। वो कहते मीठे बच्चे, मन मनाभव की ड्रिल सदा करते रहो तो 21 जन्मों के लिए हष्ट पुष्ट बन जाएंगे, निरोगी बन जाएंगे। मन मनाभव की ड्रिल सदा करते रहो तो 21 जन्मों के लिए हष्ट पुष्ट निरोगी बन जाएंगे। क्वेश्चन है, सतगुरु की कौन सी श्रीमत पालन करने में गुप्त मेहनत है? सतगुरु की श्रीमत है, मीठे बच्चे देह को भी भूल कर मुझे याद करो, अपने को अकेली आत्मा समझो, देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करो, सबको यही पैगाम दो, अशरीरी बनो, देह सही देह के सब धर्मों को भूलो तो तुम पावन बन जाएंगे। इस श्रीमत को पालन करने में बच्चों को गुप्त मेहनत करनी पड़ती है, तकदीरवान बच्चे ही ये गुप्त मेहनत कर सकते हैं। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं अपने भाई और बहनों को ड्रिल सिखाने। ये कौन सी ड्रिल है? इसमें बच्चों को कुछ कहना नहीं होता, वे जो जिस्मानी ड्रिल आदि करते हैं उसमें तो कहना पड़ता है। ये तो सुप्रीम टीचर है जो गीता का भगवान भी है, जो बच्चों को बैठ योग की ड्रिल सिखाते हैं। ये ड्रिल गुप्त है, ड्रिल सिखाई जाती इसलिए सिखाई जाती कि स्टूडेंट हेल्दी हों। तुम बच्चे जानते हो, इस मन मनाभव की ड्रिल से 21 जन्मों के लिए रुष्ट पुष्ट रहेंगे, कभी बीमार नहीं होंगे। तो कितनी अच्छी रूहानी ड्रिल है, बाबा समझाते मन मनाभव। इसमें कहने की भी दरकार नहीं, सिर्फ समझाया जाता, अपने को आत्मा समझो, देही अभिमानी भव। भव का अर्थ ही है तुम बाप को याद करो तो एवर हेल्दी बन जाएंगे। कल्प पहले भी हम इस रूहानी ड्रिल में एवर हेल्दी बने थे। रूहानी ड्रिल, रूहानी बाप परम पिता परमात्मा शिव सिखाते हैं। भगवान तो उनको ही कहा जाता जिनकी पूजा भी होती है, शिवाय नमा भी कहते हैं, ब्रह्मा देवताय नमा, शिव परमात्माय नमा कहेंगे। ये ड्रिल कोई मनुष्य नहीं सिखाते। ऐसे नहीं कि तुमको ये ड्रिल ब्रह्मा ने सिखाई है, नहीं, भले ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कहलाते हो परंतु चिट्ठी पर भी लिखते हो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। वह तो गुप्त हो गया, लेकिन मनुष्यों को कैसे पता पड़े? ब्रह्मा तो प्रजापिता है, तो सारी दुनिया उनके बच्चे हैं, प्रजापिता है ना। ड्रिल सिखाने वाला तो निराकार बाप है, वो गुप्त है। गुप्त होने के कारण मनुष्यों को समझने में डिफ़िकल्टी होती है। ब्रह्मा को तो भगवान नहीं कहा जाता, यहाँ नाम भी दिखते हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ नाम लिखते हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ अर्थात ब्रह्मा की संतान। जब कोई आता है तो उनको समझाना है ये नई दुनिया रचने वाला ब्रह्मा नहीं, निराकार बाप है जो ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं। पारलौकिक परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा रचते हैं, गोया सुप्रीम सोल की रचना हुई। तुम पत्र के ऊपर लिखते हो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, तो ये भी याद करने की युक्ति है। शिव बाबा सिखाते ब्रह्मा द्वारा, बस सिर्फ कहते मन मनाभव, और कोई तकलीफ नहीं दी जाती। सिर्फ कहा जाता कि तुम अपनी उन्नति चाहते हो और सचखंड का मालिक बनना चाहते हो तो सचखंड स्थापन करने वाले एक सत्य बाप को याद करो। सचखंड स्थापन करने वाले सत्य बाप को याद करो। बेहद का बाप आकर बच्चों को कहते मुझे याद करो तो पापों से मुक्त हो जाएंगे। श्री कृष्ण को पतित पावन नहीं कहा जाता, सिवाय परम पिता परमात्मा के और किसी को भी पतित पावन नहीं कहेंगे, गॉड फादर भी नहीं कहेंगे, सब उनको फादर कहते हैं। फिर उनको सर्वव्यापी कैसे कह सकते? कहते हैं वो आते हैं लिबरेट करने के लिए, ये मनुष्य नहीं जानते। तो कल्प की आयु जल्दी उल्टी लिख दी। अब बच्चों को ड्रिल करनी है। ज्ञान तो मिला हुआ है, जब बैठते हो तो अपने को देही समझ बाप को याद करो।
ज्ञान तो मिला हुआ है। जब बैठते हो तो देही समझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। टीचर सामने बैठता है गद्दी पर तो शोभता है। कायदा है कि ड्रिल कराने के लिए टीचर जरूर चाहिए। कोई बड़ा टीचर तो कोई छोटा टीचर होता। अब तुम्हारा इम्तिहान लेने की कोई दरकार नहीं, क्योंकि तुम खुद जानते हो हम कितना समय मोस्ट बिलव्ड बाप को याद करते हैं। हर एक स्वयं जानता है मैं बाबा को कितना याद करता हूँ। ब्रह्मा कोई मोस्ट बिलव्ड नहीं, मोस्ट बिलव्ड वो सदा पावन है। तुम बच्चे जानते हो सबसे प्यारा कौन है। मनुष्य परमात्मा को याद करते हैं, हे दुख हरता सुख करता, उसको लिबरेटर भी कहते हैं, अर्थात दुखों से मुक्त करने वाला। तो बच्चों को अपना पुरुषार्थ करना है। ड्रामा प्लान अनुसार ये दुनिया पावन होनी जरूर है, और पावन दुनिया बनाने के लिए ही बाप आए हैं। ये भी जानते हो आग कैसे लगेगी। विनाश होने बिगर दुनिया पावन बन नहीं सकती। यह रुद्र ज्ञान यज्ञ, रुद्र और शिव कोई फर्क नहीं, परंतु शिव नाम मुख्य है। बाकी तो अपनी अपनी भाषा में अनेक नाम रख दिए। असल नाम शिव है। शिव जयंती भी मनाते हैं। भारत में शिव जयंती मशहूर है। बेहद बाप की शिव जयंती है तो आते भी जरूर होंगे। यह लीप युग, ये थोड़े समय का है, जैसे पुरुषोत्तम मास कहा जाता। ये तुम्हारा हीरे जैसा उत्तम बनने का जन्म है। शूद्र से ब्राह्मण बनना सबसे उत्तम है। ब्राह्मण बनते हो तो दादे का वर्षा लेने के हकदार बनते हो। बाप बच्चों को कहते, बच्चे सदैव मन मना भव। बाप का मैसेज सबको देते रहो। बाबा को कहा जाता मैसेंजर, और कोई भी मैसेंजर अथवा पैगंबर नहीं है। वह तो आकर अपना धर्म स्थापन करते। पैगंबर सिर्फ एक है, वही आके तुम्हें पवित्र बनने का पैगाम देते हैं। पैगंबर केवल एक ही है जो पवित्र बनने का पैगाम देते हैं। वो आते धर्म स्थापन करने, वह कोई वापस ले जाने वाला गाइड नहीं है। वो तो एक ही सतगुरु सदगति देने वाला है, सच बोलने वाला, सच्चा रास्ता बताने वाला। एक ही परम पिता परमात्मा शिव है। तो बहुत गुप्त मेहनत करनी है बच्चों को। अब तुम जानते हो हमें देह भूलकर एक बाबा को याद करना है। इस देह को भी भूलकर एक बाबा को याद करना है। शरीर छूटा तो सारी दुनिया छूट जाती है, आत्मा अकेली बन जाती है। बाबा कहते देही अभिमानी बनो, फिर कोई भी मित्र संबंधी याद नहीं पड़ेंगे। देही अभिमानी बनो, फिर कोई भी मित्र संबंधी याद नहीं पड़ेंगे। हम आत्मा हैं, हम चले जाएंगे बाबा के पास। बाबा राय देते, तुम मेरे पास कैसे आ सकते हो। ये बाबा भी नामी ग्रामी हैं। इन द्वारा बाप सब आत्माओं का गाइड बन मच्छरों सदृश वापिस ले जाते। ये यथार्थ ज्ञान सिर्फ तुम बच्चों की बुद्धि में है। तुमको पांडव सेना भी कहते। पांडव पति स्वयं साक्षात परम पिता परमात्मा है, जो तुम बच्चों को ड्रिल सिखा रहे हैं। हुबहू कल पहले माफिक, जब विनाश होगा तो सब आत्माएं शरीर छोड़ चली जाएंगी। सत्युग में जब थोड़ी आत्माएं हैं तो एक राज्य है। अभी अनेक हैं, फिर ज़रूर एक होगा। ये सारा ज्ञान बुद्धि में सिमरण करना है, बच्चों को प्रदर्शनी पे समझाना है। जब न्यू दिल्ली थी तो नया भारत था। एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। आदि सनातन कोई हिंदू धर्म नहीं था। हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, ये और धर्म वाले मानेंगे नहीं। जो पहले आते हैं वही 84 जन्म लेते हैं। ये बिल्कुल सहज समझने की बातें हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है, नाटक पूरा होता है। सब एक्टर्स आ गए, 84 जन्म पूरे किए, फिर घर चलना है, क्योंकि बहुत थक गए ना। 84 जन्म पूरे हुए, वापस घर चलना है क्योंकि बहुत थक गए। भक्ति मार्ग है ही थकने का मार्ग। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, औरों को भी पैगाम दो। देश सहित सब धर्म छोड़, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। ये पैगाम सबको देना है। देश सहित देख के सब धर्मों को छोड़, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। अशरीरी बनो तो पावन बन जाएंगे, क्योंकि वापस घर चलना है।
मौत सामने खड़ा है। यहाँ भी बच्चे बाबा के पास सम्मुख रिफ्रेश होने आते हैं। बाबा सम्मुख बच्चों को समझाते, बच्चे देह अभिमान छोड़, माँ में कम याद करो, देह अभिमान छोड़ो, माँ में कम याद करो, पुरानी दुनिया खत्म होनी है, तुम एक बाप को याद कर पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे, अगर मेहनत नहीं करेंगे तो फल भी नहीं मिलेगा, फिर सजा खानी पड़ेगी। बाबा कहते अपनी कमाई जमा करते रहो, दूसरों को भी निमंत्रण दो, बाप का रास्ता भी बताओ, तुम बच्चों को कल्याणकारी बनना है, अपने मित्र संबंधियों का भी कल्याण करना है। यहाँ तुम्हें देही अभिमानी बनना सिखाया जाता, महामंत्र देते हैं। यहाँ बाबा देही अभिमानी बनना सिखाते, महामंत्र देते, प्राचीन योग बाबा ने आके सिखाया, जिसके लिए गाया जाता, योग अग्नि से पाप दग्ध हो जाएंगे। कल्प पहले भी यही इशारा मिला था, बाप इशारा देते, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, रहो भले घर गृहस्थ में, गाया हुआ है शरण पड़ी मैं तेरे। ये भी होता है जब कोई दुखी होते हैं तो ऊंच ताकत वाले की जाकर शरण लेते, यहाँ तो प्रैक्टिकल में है, जब बहुत दुख देखते हैं, सहन नहीं कर सकते, लाचार होते हैं, तो फिर भागकर आए बाबा की शरण लेते हैं। सदगति तो सिवाय बाप के कोई दे ना सके, बच्चे जानते पुरानी दुनिया विनाश होनी है, तैयारी हो रही है, इस तरफ तुम्हारे स्थापना की तैयारी, उस तरफ विनाश की तैयारी, स्थापना हो गई तो विनाश भी जरूर होना है, जानते हो बाबा आया हुआ है स्थापना कराने, इन द्वारा वर्षा जरूर मिलेगा, बाकी प्रेरणा से थोड़ा ही काम चलता है, टीचर को कहेंगे क्या कि हम आपकी प्रेरणा से पढ़ लेंगे, प्रेरणा से अगर सब कुछ होता तो शिव जयंती क्यों मनाई जाती, प्रेरणा से करने वाले की तो शिव जयंती मनाने की दरकार नहीं, जयंती तो सब आत्माओं की होती, आत्माएं सब जीव में आती, आत्मा और शरीर जब मिलते हैं तो पार्ट बजाते हैं, आत्मा का स्वधर्म है शांत, उसमें नॉलेज धारण होती, आत्मा ही अच्छा बुरा संस्कार ले जाती है, बाप तो स्वर्ग का रचयिता है, वहाँ तो पवित्रता ही है, अपवित्रता का नाम निशान नहीं, यह है विषय सागर, कितना क्लियर समझाया जाता तो भी किसी की बुद्धि में नहीं आता, परंतु तुम किसी को दोष नहीं देते हो, ड्रामा के बंधन में सब बंधे हुए हैं, तुम समझते हो सीढ़ी से ऊपर से नीचे उतरते आए, ड्रामानुसार हमें उतरना ही है, फिर बाबा कहते अब चढ़ने के लिए पुरुषार्थ करना है, परंतु जिनकी तकदीर में नहीं वो ऐसा कहते, जिनकी तकदीर में नहीं वो ऐसा कहते हैं, जो ऐसा कहते हैं उसे समझ जाते कि इनकी तकदीर में नहीं। बाबा कहते दो चार वर्ष चलते चलते भी गिर पड़ते हैं, महसूस भी करते हैं हमसे बड़ी भूल हुई, बड़ी चोट खाई, ये भी आधा कल्प की बीमारी है, कम नहीं है, आधा कल्प के रोगी हैं, भोगी बनने से रोगी बन जाते हैं, तो बाबा आकर पुरुषार्थ कराते, श्री कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं, इस समय तुम सच्चे सच्चे योगी हो, योगेश्वर तुम्हें योग सिखाते हैं, तुम ज्ञान ज्ञानेश्वर भी हो, फिर बनेंगे राज राजेश्वर, ज्ञान से तुम धनवान बनते हो, योग से निरोगी एवर हेल्दी बनते हो, आधा कल्प के लिए तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं, इसके लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए, योग से निरोगी बनते हैं, एवर हेल्दी बनते हैं, आधा कल्प के लिए सारे दुख दूर हो जाते हैं, तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, पावन बनने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, सबको पैगाम देना है, एक बाप को याद करो, देह सहित सब कुछ भूल जाओ, योगेश्वर बाप से योग सीखकर सच्चा सच्चा योगी बनना है, ज्ञान से धनवान, योग से निरोगी एवर हेल्दी बनना है, ज्ञान से धनवान।
योग से निरोगी एवर हेल्दी बनना है। वरदान है कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव द्वारा विश्व कल्याण के निमित्त बनने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव द्वारा विश्व कल्याण के निमित्त बनने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। तीव्र पुरुषार्थी वह है जो सबके प्रति कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव रखे। भले कोई बारंबार गिराने की कोशिश करे, मन को डगमग करे, विघन रूप बने, फिर भी आपका उसके प्रति सदा शुभ चिंतक का अडोल भाव हो। बात के कारण भावना बदले, हर परिस्थिति में वृत्ति और भाव यथार्थ हो तो आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर कोई भी व्यर्थ बातें देखने में नहीं आएंगी, टाइम बच जाएगा। यही है विश्व कल्याणकारी स्टेज। स्लोगन है संतुष्टता जीवन का श्रृंगार है, इसलिए संतुष्ट मणि बन, संतुष्ट रहो और सबको संतुष्ट करो। संतुष्टता जीवन का श्रृंगार है, इसलिए संतुष्ट मणि बन, संतुष्ट रहो और सबको संतुष्ट करो। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूँ। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने, उसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।